नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कौर गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है मैनेजमेंट अकाउंट की बुक केजी पब्लिकेशन से, और चैप्टर चल रहा है बिजनेस बजट एंड बजटरी कंट्रोल, और क्वेश्चन नंबर 9 चलेगा। 9 क्वेश्चन को पढ़वाते हैं, समझाते हैं, फिर करवाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, तो फिलहाल नीचे करते हैं स्टैंड को, फिर समझाते हैं। तो इसमें लिखा है, ईस्ट एंड वेस्ट एंटरप्राइजेज इज करंटली वर्किंग एट 50% कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट। एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेन इट्स वर्क 60% एंड 70% कैपेसिटी। एट 60% कैपेसिटी पे कुछ बोला गया है, द रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 2% एंड सेलिंग प्राइस फॉल बाय 3%। मतलब 60% जैसे ही हम मूव करते हैं तो आपका रॉ मटेरियल बढ़ जाता है और सेलिंग प्राइस कम हो जाती है। 70% कैपेसिटी पे रॉ मटेरियल आपका इंक्रीज 4% होता है और सेलिंग प्राइस 5% डाउन हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। 50% कैपेसिटी पे हमें दे रखा है प्रोडक्शन की कॉस्ट, और प्रोडक्ट की कॉस्ट दे रखी है 180, ठीक है। अगर इसे जोड़ते हैं तो ये 150 होता है, और फिर ये 180 बैठ रहा है, और सेलिंग प्राइस हमें 200 दे रखा है। तो इस हिसाब से हम चेंजेस कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपकी जो दे रखी है 50% तो सेम रहेगी, लेकिन 60-70 पे इंक्रीज होती जाएगी 2% या 3% से, और सेल प्राइस डाउन होता रहेगा। तो बाकी खर्चा है, ये हमारा वेरिएबल खर्चा है, ये हमारा सेमी वेरिएबल, क्योंकि फिक्स इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कराते हैं आपको, समझाते हैं। और सेलिंग हम इसमें दे रखा तो प्रॉफिट तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्लेक्सिबल बजट पर्टिकुलर 50% कैपेसिटी 60 और 70 पे हमें बनाना है। 50% पे 10,000 यूनिट हैं, तो आप सोचो कि आपकी 60% पे कितनी होगी। तो 10,000 को डिवाइड करो 50 से, मल्टीप्लाई करो 60 से, तो आपको 12,000 यूनिट मिल जाएंगी, ठीक है। 10,000 को डिवाइड करो 50 से, इंटू करो 70 से, तो आपको यहाँ 14,000 यूनिट मिल जाएंगी। तो यहाँ लिख दो, तो आसानी रहेगा आपको करने के लिए, ठीक है। अभी हम यहाँ लिखते हैं इस कंडीशन पे, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल लिखते हैं यहाँ पे, मटेरियल एट द रेट 100 रुपीज़ पे है, ठीक है। फिर यहाँ लिखते हैं वेजेस 30 रुपये पे चल रहा है, 30% छोड़ दो, ऐसे लिख दो। फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे, तो इसमें तो आपको फिक्स्ड वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले आपकी दो चीज़ सॉल्व करते हैं। पहले तो यहीं पे समस्या निपटाते हैं कि मटेरियल 100 रुपये पर यूनिट है, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू 100 इंटू 100 1,00,000 या 10,00,000 के आसपास आएगा, 10,00,000, 10,00,000, ठीक है। वेजेस तो सिंपल करेंगे, 10,000 इंटू 30 3,00,000, करंट वाली कंडीशन हमने कर दी। मुझे पता है जैसे मैं यहाँ मूव करूँगा 60% पे, तो आपका ये जो मटेरियल की कॉस्ट थी पर यूनिट, ये कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी, 2% से इंक्रीज़ हो जाएगी। 2% कैसे निकालोगे, 100, कैलकुलेटर निकाल के दिखा रहा हूँ, 100+2 फिर परसेंट दबा दो, ये आ जाएगा 102। और जैसे मैं अगले पे चलता हूँ तो 4% से इंक्रीज़ हो रही रॉ मटेरियल, तो 100+4% 104 हो गया। अब कैसे करना है, इसको 12,000 को 102 से मल्टीप्लाई करो, 12,000 इंटू 102 12,24,000, और फिर 14,000 से करेंगे तो इंटू 104, तो ये हो जाएगा आपका, अरे आ जा, 14,56,000, ठीक है। बाकी इसमें ऐसे ही करते रहो, 30 से ही मल्टीप्लाई करते रहो, 12,000 इंटू 30 तो ये हो गया 3,60,000, और इसमें करेंगे 14,000 इंटू 30 तो 4,20,000 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा, तो नीचे करते स्टैंड। अब था यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 20 रुपये पर यूनिट था ना, एट द रेट 20। अब 10,000 इंटू 20 करते हैं तो कितना आता है, 10,000 इंटू 20 2,00,000 के आसपास आएगा, ठीक है। अब इस 2,00,000 के अंदर फिक्स्ड कितना है और वेरिएबल कितना है,
फिक्स्ड की परसेंटेज है 40, तो वेरिएबल की हो जाएगी 60। 2 लाख का पहले क्लिक कर दो, 10,000 × 20, ठीक है 2 लाख आया, इंटू 40%, 80,000, यहाँ आएगा 1,20,000। ठीक, जो फिक्स्ड है पहले तो यहीं लिख दो, 80,000 और 1,20,000। 80 तो सेम टू सेम चलेगा, ठीक है, और ये चेंज हो जाएगा आपका 1,20,000 जो हमें 50% दे रखा है, डिवाइड बाय 50 × 60, 1,44,000 हो गया। फिर से दिखाता हूँ आपको, 1,20,000 दे रखा था, डिवाइड बाय 50 किया, इंटू 60 किया, ये आ गया 1,20,000 को डिवाइड बाय करूँगा 50 × 70, तो 1,68,000 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आया। अगला वाला खर्चा था फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वो है 30 रुपये, 30 रुपये के रेट से, तो 10,000 × 30 करेंगे, 3,00,000 आ जाएगा। फिक्स्ड कितना, वेरिएबल कितना, परसेंटेज 50%, 50% दे रखा है, 50% फिक्स्ड, 50% वेरिएबल, तो 1,50,000 इसका आ जाएगा और 1,50,000 इसका आ गया। तो ऐसे ही सेम टू सेम लिख दो उसमें डेट, क्योंकि 50% पे भी दे रखा है। अब डेट तो सेम ही रहेगा सब में, फिक्स जो है वो तो सेम रहता है, ठीक है, ये वाला चेंज होगा। 1,50,000 डिवाइड बाय 50 × 60, 81, 150 डिवाइड बाय × 70, 2,10,000। ठीक, ये हो गया सारे खर्चे। अगर मैं इसको प्लस भी करूँगा तो क्या आएगा, टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट आएगा। तो पहले पॉज करके टोटल कॉस्ट निकालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी मैंने आपके लिए। तो हमने यहाँ पे टोटल करके दिखा दिया आपको, इन सब का टोटल हो गया ये। अब बीच का लाइन जो मैं छोड़ा प्रॉफिट के लिए छोड़ा है, यहाँ लिखूंगा मैं सेलिंग प्राइस, क्या लिखूंगा, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ देखना थोड़ा सा समझने वाली बात है, नॉर्मल 50% के लिए तो ये सेलिंग प्राइस 200 है, लिख दे 200, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं, 10,000 × 200 करेंगे तो 2,000,000 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही कहा था उसने नेक्स्ट वाले परसेंटेज मूव करेंगे हम लोग, तो उसमें बोला गया था कि मटेरियल कॉस्ट 2% बढ़ेगी और ये डाउन होगा 3% से सेलिंग प्राइस, है ना। अब 3% 200 का 3% निकालो, 6 रुपये कम कर दो 200 में से, तो ये आता है 194। अब कैलकुलेटर सॉल्व करना है तो 200 लिखो, माइनस करो 3 और फिर परसेंट दबा दो, 194 हो गया। और 194 की मल्टीप्लाई 12,000 से कर दो, मल्टीप्लाई 12,000 जो कि इसकी यूनिट थी, तो ये आएगा 23,28,000 सेलिंग प्राइस आ गया। ऐसे यहाँ पे जैसे हम अगली परसेंट मूव करेंगे तो यहाँ पे 4% इंक्रीज हो रहा था कॉस्ट में, मटेरियल में, और सेलिंग प्राइस 5% डाउन था। तो सेलिंग प्राइस का अगर देखा जाए तो 200 का 5% 10 रुपये होता है, तो 10 रुपये कम करेंगे 190 आएगा। उसी चीज़ को यहाँ सॉल्व करो, 200 माइनस 5% दबा दिया, 190 आ गया। 190 की मल्टीप्लाई इस यूनिट से करो 14,000 से, तो 26,60,000 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, 18,00,000 वाली चीज़ अपने 20,00,000 बेची, तो कितना प्रॉफिट कमाया, 2,00,000, तो ये प्रॉफिट आ गया आपका, और एक तरह से बैलेंस बच के आ रहा है नहीं, है ना। 21,38,000 वाली चीज़ को अपने 23,28,000 बेचा, तो यहाँ भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। 23,28 माइनस 21,38, तो 1,90,000 का प्रॉफिट हुआ। और 24,84,000 वाली चीज़ 26,60,000 बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट तो यहाँ भी है, माइनस करते हैं 26,60 माइनस 24,84, 1,76,000
आंसर चेक कर लो, 176/190 2 लाख आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। नोट डाउन कर लो बच्चों, कोई दिक्कत हो कमेंट करने का पूछना। बाकी एमसीक्यू लिए बहुत है इतना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन और कराऊंगा 10th से 9th तक सोच रहा था पहले, मैं देखते हैं बेटा। ओके बाय बाय, थक गया पता है, अकेले इसमें कोई नहीं है क्लास में, मैं ही आपको बोलो अकेले बड़े बड़ाना बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे सामने बच्चे बैठे हैं 10,000, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर 10,000 हो गए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं 10,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 10,000 में से कुछ अभी देखेंगे, कुछ बाद में देखेंगे, कभी कब देखेंगे कुछ नहीं पता, तो इसीलिए उनको सोच कर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय।